सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ हमारी रिवीजन स्ट्रेटेजी, जो कि मैं अप्लाई कर रहा हूँ। मेरा दोस्त जो है करण, वो भी इस मतलब स्ट्रेटेजी, हम साथ में पढ़ते हैं ऐसे ग्रुप स्टडी, ठीक है। तो हम दोनों इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके ये बार बार रिक्वेस्ट आ रही थी कि भाई तुम्हारी क्या स्ट्रेटेजी है, तुम किस तरीके से अपने रिविजन कर रहे हो इंटर May 23 की, ठीक है। तो आज मैं वो चीज़ शेयर करने वाला हूँ, और मैं ये नहीं बोलूँगा कि तुम मेरी स्ट्रेटेजी को कॉपी पेस्ट करो, मैं जस्ट एक ओवरऑल स्ट्रक्चर बताऊँगा और कैसे आपको अपनी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। मैं एक थोड़ी सी और टिप दे दूँगा जो कि हमने बनाई थी। तो देखो, मैंने क्या करा कि जो मेरा ओवरऑल सिलेबस है ना, उसको मैंने स्लॉट्स में डिवाइड करा, 4 स्लॉट्स में। मैंने 1 अगस्त से अपनी रिविज़न है वो स्टार्ट कर दी थी। तो हुआ क्या, जैसे मैंने सिलेक्ट करा कि हाँ इतनी देर, इतने दिनों में हो जाना चाहिए। इतने दिनों में कैसे हो जाना चाहिए, वो कैसे पता लगेगा, पहले मैंने उन्हें स्लॉट्स में डिवाइड करा, 1 स्लॉट 2 स्लॉट 3 स्लॉट 4 स्लॉट। स्लॉट कुछ नहीं है, एक तरीके से कॉलम है, ठीक है। कॉलम होता है ना, 1 2 3, जो हम अकाउंट्स में लाइनें खींचते हैं। सो उस तरीके से मैंने स्लॉट्स बनाए, 4 स्लॉट्स बनाए, और उनमें सब्जेक्ट्स को डालना चालू करा। और मैंने कुछ इस तरीके से रखा कि एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी, या फिर एक थोड़ा सा हैवी सब्जेक्ट, 2 हल्के सब्जेक्ट रख दिए। तो इस तरीके से मैंने अपने स्लॉट्स बनाए हैं, ठीक है। और मैंने ये डिसाइड करा कि हाँ इतने दिन में ये कवर अप हो जाना चाहिए। देखो, हमने ना ये डिसाइड नहीं करा कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे कैसे पढ़ने वाले हैं, कितने घंटे क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हमने सिर्फ ये डिसाइड करा कि अगर हम ये स्लॉट 1 है, देखो स्लॉट 1 में अपना बता देता हूँ क्या था। जैसे मान लो स्लॉट 1 है, हमने कॉस्टिंग का डिसाइड करा कि कॉस्टिंग करेंगे, हम कॉस्टिंग के साथ करेंगे इको। और कॉस्टिंग में क्या होगा कि हमारी कॉस्टिंग इतनी अच्छी नहीं थी, जैसे कि आपको पता ही होगा, मैंने रिव्यू डाला था कि मेरे को खुद से करनी पड़ी कॉस्टिंग, तो वो इन्हीं दिनों में करी है मैंने, ठीक है। तो स्लॉट 1 में क्या था कि मान लो कॉस्टिंग है, मैंने कॉस्टिंग ले ली। अब हमने सेट कर दिया टारगेट कि हाँ 10 दिन में कॉस्टिंग को खत्म करना है, साथ के साथ इको को भी खत्म करना है। हमने ये देख लिया कि हाँ कॉस्टिंग में हम ज़्यादा से ज़्यादा मॉड्यूल कर लेंगे, स्कैनर कर लेंगे, MTP का क्वेश्चन देख लेंगे, ठीक है। ईको करेंगे तो क्वेश्चनेयर की बुक हैगी वो देख लेंगे, चार्ट बुक से रिवाइज करना है। ऐसे ऐसे करके हमने ओवरऑल दिमाग में बैठा लिया और वहाँ पर टारगेट्स लिख दिए कि हाँ 10 दिन में कॉस्टिंग खत्म करनी है, साथ के साथ ईको भी निपटानी है। तो आपको भी अपनी स्ट्रेटजी, ये पॉइंट नंबर 1 है, आपको भी अपनी स्ट्रेटजी इस तरीके से बनानी चाहिए कि क्या क्या पढ़ना है उस पर ज़्यादा फोकस ना करके टारगेट सेट कर दो। और टारगेट मतलब 3 महीने का ना करके उसे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो, 10 दिन, 1 हफ्ता 2 हफ्ता, इस तरीके से। क्योंकि आप स्लॉट्स में, या मैंने उनको नाम दिया स्लॉट्स, ये स्लॉट वाइज स्ट्रेटेजी है, तो आप इस तरीके से पढ़ोगे तो आपके टारगेट कंप्लीट होने के चांसेस ज़्यादा है। तो इसमें क्या होता है कि हम स्लॉट वाइज डिवाइड करते हैं, एक बड़े पीरियड ऑफ टाइम को हम छोटे पीरियड्स में डिवाइड कर देते हैं और उसमें सब्जेक्ट्स को पुट कर देते हैं। तो हमने क्या करा, अब होता क्या है इससे फायदा, आप डिटेल्ड स्ट्रेटजी मत बनाओ, आप जस्ट एक ओवरऑल ऊपर से स्ट्रक्चर बना के तैयार कर दो कि हाँ ये हमारा स्ट्रक्चर है, स्लॉट 1 स्लॉट 2 स्लॉट 3 स्लॉट 4, इसमें ये सब्जेक्ट इसमें ये, इतना टाइम इसमें लग सकता है, इतना इसमें। ऐसे ऐसे कर दिया, ये तुम्हारा ओवरऑल स्ट्रक्चर हो गया। अब तुम ज़्यादा दिमाग ना लगा के पढ़ने बैठ जाओ, ठीक है। क्योंकि इतना दिमाग तुम स्ट्रेटजी में लगा दोगे तो पढ़ोगे कैसे, और ये स्ट्रेटजी भी एक स्ट्रक्चर है, यहाँ कैसे तुम्हें पढ़ना है, ये स्लॉट वाइज स्ट्रक्चर, मैंने इसका नाम रख दिया आज से, ठीक है। आज से तुम भी इसे अपनाना चालू कर दो अगर चाहो तो, ठीक है। अब होगा क्या इसमें कि इसका फायदा क्या है स्ट्रक्चर बनाने का, अब हमने जब कॉस्टिंग स्टार्ट करी तो हमने 9 दिन में कर दी, जबकि हमारा टारगेट क्या था 10 दिन में। तो अब हम सोच रहे कि कॉस्टिंग के लिए यार हमने इतना एक्स्ट्रा टाइम दिया है, मतलब 1 दिन एक्स्ट्रा मिला है हमें, तो इसमें क्या करना चाहिए। अब ऐसे में क्या होता है, तुरंत आपको ना एक रिजिड स्ट्रैटेजी होती है ना, बिल्कुल फोकस्ड, वो नहीं होता इसमें, आपकी सिचुएशन के हिसाब से स्ट्रैटेजी बदलती है। और मैं, मेरे हिसाब से ये लगता है कि जिस दिन आप स्ट्रैटेजी बना रहे हो सकता है कि उस दिन आपकी सिचुएशन कुछ अलग हो, और अगले 3 महीने जो आपकी रिविजन वगैरह चलेंगी उस टाइम माहौल कुछ और हो। तो इसीलिए एक दिन सोच के ये स्ट्रैटेजी मत बनाओ कि अगले 3 महीने ऐसे चलेगा, आप बस एक ओवरऑल स्ट्रक्चर बना दो, जैसा चलेगा वो ऑटोमेटिकली स्ट्रैटेजी बनती जाएगी। बस टारगेट्स होने चाहिए आपके पास, जैसे कि मैंने स्लॉट्स में रख के टारगेट्स सेट कर दिए थे। तो हुआ क्या, जैसे मान लो कॉस्टिंग है, कॉस्टिंग में हुआ क्या कि हम जब
यहाँ पर बैठ के क्वेश्चन करते थे 7 घंटे, 6-7 घंटे। तो मान लें यहाँ बैठ के हम क्वेश्चन कर रहे हैं, हमने क्वेश्चन सॉल्व करे, तो हमें लग रहा था कि थोड़ी सी प्रैक्टिस में कमी है, तो हमने होमवर्क लगाना चालू कर दिया। तो होमवर्क मतलब हम लगा देते थे और रात को फिर होमवर्क सॉल्व कर देते थे, सुबह आंसर चेक होते थे। तो इस तरीके से हमने ये अप्लाई करा, तो ये क्या स्ट्रेटेजी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी जहां भी तुम्हें कमी लगेगी। तो फिर हुआ क्या, एंड में हमारे पास जब एक दिन एक्स्ट्रा बचा तो हमने उसमें मॉक टेस्ट पेपर लगा दिया। अगर हम प्रॉपरली एक स्ट्रेटेजी से चलते तो होता क्या कि ना हमारे पास एक दिन एक्स्ट्रा बचता ना हम मॉक टेस्ट लगा पाते। तो इसीलिए ज्यादा ध्यान स्ट्रेटेजी पर ना लगा के तुम फोकस करो कि एक स्ट्रक्चर बना दो, और स्ट्रक्चर बनाने के बाद जस्ट पढ़ना स्टार्ट कर दो। इससे होगा क्या कि तुम्हारी स्ट्रेटेजी एक 10 दिन के पीरियड ऑफ टाइम में ऑटोमेटिकली बनना चालू हो जाएगी कि यार यहाँ कमी लग रही है, इसको इस तरीके से करते हैं, और तुम्हें चेंज करने में ना दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि तुमने स्ट्रक्चर बनाया है। रिजिड मत रखना। आई होप कि तुम्हें ये पसंद आएगा और तुम ये अप्लाई करके देखो, क्या पता इससे फायदा मिले बहुत ज़्यादा। सो ये वीडियो इतनी थी, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड पीस आउट।